सो नाउ स्टूडेंट्स अभी तक हमने बैकहेंड यानी एडमिन साइड की डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करके देखी हैं अभी तक हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड की है डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं सब कैटेगरीज ऐड किए हैं और उसके बाद हमने जो बेसिक लेआउट है पेज का उसके साथ थो का हमने थोड़ा प्ले राउंड किया है अबाउट अस का पेज हमने थोड़ा प्ले राउंड करके देखा है उसके बाद हमने शिपिंग की जो इंफॉर्मेशन है जो शिपिंग की डिटेल है उसके साथ हमने थोड़ा प्ले राउंड किया दैट वॉज बेसिकली द एंड साइड यानी एडमिन साइड अब हम आते हैं वो वाली वेबसाइट पे जो मैं और आप या कोई भी यूजर या कोई भी कंज्यूमर वेबसाइट को विजिट करेगा ऑर्डर प्लेस करेगा और उसके बाद ऑर्डर को रिसीव करेगा बैक एंड वाला जो एडमिन है एंड देन हाउ हाउ दिस थिंग विल विल प्रोसीड जस्ट लाइक एनी नॉर्मल शॉपिंग कार्ट सो लेट्स ट्राई टू डू सम प्रेस्टर शॉप नाउ so स्टूडेंट्स ये हमारी वेबसाइट है ये मेन वेबसाइट है थोड़ी शॉपिंग करते हैं हम इसके ऊपर लेट सपोज़ मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैं ये फॉर एग्जांपल टी शर्ट ख़रीदना चाहता हूँ साइज़ लेट सपोज़ इसका एक्सेल है कलर ब्लैक है क्वांटिटी मैं फॉर एग्जांपल दो कर देता हूँ मैं इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ ऐड टू कार्ड करता हूँ तो वो कहता है कंटिन्यू शॉपिंग करें या प्रोसीड टू चेकआउट मैं लेट सपोज प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ जैसे ही मैंने प्रोसीड टू चेकआउट किया तो ये मेरे पास एक शॉपिंग कार्ट बना हुआ आ गया कि 20 परसेंट डिस्काउंट है और अमाउंट उसकी यहाँ पे कम हो गई प्रोसीड टू चेकआउट मैंने क्लिक किया जब उस पर क्लिक करेंगे तो मुझसे बेसिकली मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है और और वो कह रहे हैं कि आपने ऑर्डर एज अ गेस्ट करना है या साइन इन करना है मैं ईमेल एंटर करता हूं और वो कह रहे हैं कि क्रिएट जो अकाउंट है वो ऑप्शनल है मैं यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं तो कह रहे प्लीज फिल दिस शीट मैं लेट सपोज यहां पे नाम लिख देता हूं सोशल टाइटल एंटर कर देता हूं एंड आई विल कंटिन्यू लास्ट नेम एंटर करने को बोल रहा है देन आई विल कंटिन्यू हेयर अब वो ये कह रहे हैं कि ये ई एड्रेस ऑलरेडी यूज है लेट मी चेंज ईमेल एड्रेस uh, उसके बाद कंटिन्यू उसके बाद जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो इट विल डू सम प्रोसेसिंग वो कहेगा पासवर्ड सेव कर दें मैं कहता हूँ नेवर एड्रेस मुझे वो कह रहे हैं कि वेरीफाई करें एड्रेस लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ वी यू हेड लेट्स सपोज सिटी में मैं फॉर एग्जांपल लाहौर कर देता हूँ कंट्री कोड में फाइव ट्रिपल जीरो कंट्री आ रहा है और कोई बाकी सारी फील्ड्स ऑप्शनल है और मैं लेट सपोज कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ अब देखें यहाँ पे अब मुझे वो कह रहा है कि जी अनफॉर्चुनेटली देर आर नो कैरियर अवेलेबल फॉर योर डिलीवरी एड्रेस रीजन हमने अभी कुछ देर पहले जो हमारा फ्री शिपमेंट वाला कैरियर था उसको हमने डिलीट कर दिया था यानी शिपमेंट में जो मेरे पास कैरियर थे वो यहाँ पे फ्री है ही कोई नहीं वो नेक्स्ट डे पे फ्री शॉपिंग अभी क्रॉस है तो लेट मी ऐड अ न्यू कैरियर ताकि आपको ऑर्डर हो जाए मैं लेट सपोज फ्री कैरियर ट्रांजिशन टाइम ट्रांसमिट टाइम सेम डे उसके बाद नेक्स्ट पे मैं जाता हूँ नेक्स्ट वो पूछता जी के फ्री शिपिंग पे आपने यस yes करना है वरना ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा नो टैक्स एंड सो ऑन और यहाँ पे आप कॉन्फिगर कर सकते हैं कि अफ्रीका के लिए कितने अमाउंट देनी है एंड लेट्स सपोज मैं अफ्रीका कहता हूँ एशिया कहता हूँ एंड सो ऑन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ अब आप उनसे पूछे कि जी विजिटर किसको अलाउ करनी है विजिटर को गेस्ट को कस्टमर को मैं डिफॉल्ट में सब पे नेक्स्ट करता हूँ और ये मेरी उसने अब चीज़ें और मैं इसको अनेबल कर देता हूँ सो so, मैं यहाँ पे मैंने बेसिकली एक फ्री कैरियर सर्विस प्रोवाइडर जो चीज़ सेंड करेगा उसको मैंने इनेबल कर दिया मैंने फिनिश पे क्लिक किया तो अब देखें मेरे पास यहाँ पे फ्री शिपिंग अवेलेबल हो गई सो लेट मी जस्ट ट्राई टू रीलोड दिस ऑर्डर अब आप देखें यहाँ मेरे पास अब ये फ्री शिपिंग आ गई उसके बाद मैंने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक किया मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पे बाय चेक करता हूँ और उसके बाद एग्री कर देता हूँ वो कहते हैं ऑर्डर विद ऑब्लिगेशन टू पे ऑब्लिगेशन टू पे कर देता हूँ तो दिस विल कंप्लीट माय ऑर्डर प्रोसेस अब ये यो वो कह रहे जी ई आपको सेंड कर दी गई है और दिस इज़ योर ऑर्डर रेफरेंस नंबर एस एक्स वाई के ओ जे डब्ल्यू आई एम एंड सो ऑन फ्री कैरियर है सेम डे है और चेक सेंड करना है एंड सो ऑन सो दिस इज़ हाउ ओवर अ क्लिक मैंने शॉपिंग कार्ट अनेबल कर दी है किसी भी कस्टमर के लिए जो शॉपिंग कर सकता है मेरे शॉपिंग कार्ट से अभी कंप्लीट एंड टू एंड मैंने अभी शॉपिंग की है विदाउट इवन गोइंग इन टू द कोट बेस